नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं लर्नर्स अड्डा। दोस्तों, इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे पीएचपी के प्रोग्राम को रन कराया जाता है, ओके, और वेब एप्लीकेशन के आर्किटेक्चर को समझे थे कि वेब एप्लीकेशन के में कितने लेयर्स होते हैं और हर एक लेयर में क्या क्या वर्क होते हैं और हर एक लेयर का क्या क्या पर्पस होता है, इसके बारे में हम लोगों ने समझा था, ओके। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं वेरिएबल्स के बारे में। किसी भी लैंग्वेज में वेरिएबल्स, ओके, कीवर्ड्स, डेटा टाइप बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं, ओके। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल बेसिकली क्या होता है? वेरिएबल्स आर द मेमोरी लोकेशन विच इज़ यूज्ड टू होल्ड द वैल्यूज, ओके। कुछ भी आपको ऑपरेशन करना होगा तो वेरिएबल की ही जरूरत पड़ेगी, ओके। बिना वेरिएबल का आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सक पाएंगे, ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेरिएबल्स, ओके। तो बेसिकली क्या होता है, वेरिएबल इज सिंपली अ कंटेनर डेट इज यूज टू स्टोर बोथ न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन। न्यूमेरिक इंटीजर, डबल, फ्लोट, नॉन न्यूमेरिक आपका स्ट्रिंग हो गया, ओके, ठीक है। लेकिन ये जब वेरिएबल की अगर बात करें तो वेरिएबल लिखते हैं तो उसके भी कुछ रूल्स हैं। यहाँ पे जब भी हम लोग वेरिएबल की बात करेंगे तो वेरिएबल लिखा जाता है डॉलर साइन के साथ, यानी यहाँ जो भी बात होगी वो डॉलर में बात होगी, करेंसी का तो इंडियन करेंसी की तो बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। जो भी बात करेंगे हम लोग डॉलर की बात करेंगे, ओके। तो जब भी यहाँ पे वेरिएबल की स्टार्ट करें तो हमें ध्यान रखना है कभी भी इंटीजर से स्टार्ट ना करें। अगर आप इंटीजर से स्टार्ट करते हैं तो गलत है, ओके। और डॉलर साइन तो देना ही देना है जैसा कि मैंने बताया, ओके, स्पेस नहीं दे सकते हैं, कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। इंटीजर को अगर आपको यूज़ करना है तो पहले पोजीशन पे ना दें, ओके। अगर आप पहले पोजीशन पे देते हैं तो भी गलत है, ठीक है। अब ज़रा इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, वापस फिर इस थ्योरी पे लौटेंगे। तो मैंने क्या किया, वापस मैंने यहाँ पर कोड नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लिया है और मैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें डिलीट करने जा रहा हूँ, ओके, क्योंकि हमें समझना है वेरिएबल्स के बारे में। तो मैं यहाँ पर एक नया ही फाइल ले रहा हूँ, ओके, और फाइल में जाके इसे सेव है और लर्नर्स अड्डा के नाम है मैंने यहाँ लिख दिया VARIABLE, ओके, स्मॉल में ही लिखिए VARIABLE वेरिएबल डॉट PHP, ओके, और यहाँ पर मैंने सेव कर दिया। चलिए सबसे पहले तो एनवायरनमेंट क्रिएट करें PHP का, ओके, यहाँ पर PHP और उसके बाद यहाँ पे नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ओके, ये हो गया क्रिएट PHP का एनवायरनमेंट। अब क्या करना है, सबसे पहला काम आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो मैंने बताया कभी भी आप इंटीजर से स्टार्ट नहीं करेंगे लेकिन डॉलर साइन तो देना ही देना है। तो सपोज कीजिए आपने लिखा डॉलर ए लिखा और ए इज इक्वल टू आपने दिया 12 दिया तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आप जैसे ही लिखा आपने 12 1 A लिखा और उसमें वैल्यू दे रहे हैं 23 तो ये क्या है आपका गलत है, ये क्या है आपका गलत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कलर भी चेंज हो गया है। अब सपोज कीजिए इसी को मैं प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ ECHOE को डॉलर $1A, ओके। चलिए तो इसको रन कराते हैं वेरिएबल डॉट PHP। ब्राउज़र को मैंने ओपन कर लिया और ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले लोकल होस्ट लिखिए LOCL, ओके, यही रन करने का तरीका होता है लोकल होस्ट, उसके बाद उस फोल्डर का नाम जिसमें आपने फाइल को सेव किया है, तो LEARNERS लर्नर्स अड्डा, और फाइल का नाम अगर आपने देते हैं तो कोई बात नहीं हम लिख दीजिए। और यहाँ पे देखिए वेरिएबल दिख रहा है, लिखते हैं क्या हो, क्लिक करते हैं क्या होगा, एरर आ रहा है, ठीक है। तो क्या एरर है अगर गौर से अगर हम लोग पढ़ें तो एरर दिख रहा है सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड 1, ओके, यानी आप यहाँ पर वेरिएबल का नेम जो आप लिख रहे थे तो आपने क्या कर दिया है एक 1 इंटीजर को स्टार्टिंग दे दिया जो कि गलत है। यानी वेरिएबल का नाम कभी भी आपका इंटीजर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, यह आपको ध्यान रखना है, ओके। तो मैं यहाँ पर आ जाऊँ और मैं इसको हटा कर, हाँ, अगर पहला पोजीशन छोड़ के आप किसी और पोजीशन पे दे सकते हैं, ओके,
मैंने 1 दे दिया और यहाँ पे भी इसको हटाकर 1 कर दिया। देखिए अब दोनों ए और ए वन दोनों क्या हो गए, कॉमन जैसा लग रहे हैं। और आप जाकर इसे रन करा दीजिए, यहाँ पे से देखिए कोई एरर नहीं है और वैल्यू भी 23 ये प्रिंट कर रहा है। ओके चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। द वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर और अंडर स्कोर कैरेक्टर, आप अंडर स्कोर दे सकते हैं वो भी सही है, लेटर से ही यूज़ करें, कैपिटल करें स्मॉल में करें दोनों ही चलेगा। ओके अब वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडर स्कोर, 8 to 8 0 to 9 अंडर स्कोर दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप परसेंटेज साइन दे रहे हैं, हैश दे रहे हैं, हैश का तो मीनिंग कुछ और होता है, कमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, एट द रेट दे रहे हैं तो वो सही नहीं है। ओके एक्सेस कैरेक्टर आप दे रहे हैं तो वो सही नहीं है, डॉलर देना है, डॉलर बनाया गया है। ओके अ वेरिएबल नेम शुड नॉट कंटेन स्पेस, इसका मतलब क्या हुआ, सपोज़ कीजिए आपका जो वेरिएबल है वो एक से ज़्यादा लेटर का है और आपने क्या कर दिया बीच में स्पेस दे दिया, ओके तो वो भी क्या है, गलत है। इसको मैं प्रोग्राम से आपको समझाता हूँ। ओके तो मैंने क्या किया, सपोज़ कीजिए यहाँ अभी तक तो ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया डॉलर ए बी और यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया, उसके बाद मैंने इसमें वैल्यू दिया 45। ओके और मैं जाके इसे रन कराता हूँ, यहाँ पर आया और मैंने इसे रिफ्रेश किया, देखिए एरर क्या है, सिंटेक्स अनएक्सपेक्टेड सी। ओके ये सी को अनएक्सपेक्टेड समझ रहा, क्यों, क्योंकि आपने वेरिएबल का नेम लिखा लेकिन आपने स्पेस दे दिया तो स्पेस अलाउ नहीं होता है। वेरिएबल का नाम जब भी लिखते हैं तो कभी भी स्पेस आप ना दें। देखिए अब मैंने स्पेस रिमूव कर दिया और वापस उसी फाइल को जाकर सेव करने के बाद मैं दोबारा जब रन कराता हूँ तो देखिए क्या कर रहा है, ये आसानी से रन कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी वेरिएबल का नाम आप लिखें तो कभी भी गलती से स्पेस ना दें, अगर स्पेस देंगे तो कुछ ना कुछ समस्या नहीं, हमेशा समस्या ही बनी रहेगी। ओके तो ये आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आप स्पेस ना दें, बाकी ए से लेके जेड तक कैपिटल में स्मॉल में वो सारी चीज़ें होती हैं, अंडरस्कोर भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल में वैल्यू देने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगर बात करें कोड पे तो यहाँ देखिए ये जो ऑपरेटर दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। ओके ठीक है, तब उसके लिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम है माई नेम। ओके और उसमें मैंने अपना ही नाम दिया अविनाश कुमार पांडे और फिर मैं उसे प्रिंट करा रहा हूँ, तो प्रिंट क्या करेगा ये, अविनाश कुमार पांडे। ओके जैसा कि मैंने लिखा भी है, इन द एग्जांपल वी हैव क्रिएटेड अ वेरिएबल कॉल्ड माई नेम कंटेनिंग अ स्ट्रिंग। ओके डबल कोट्स में दे रहे हैं या सिंगल कोट्स में दे रहे हैं तो उसको यहाँ पे स्ट्रिंग करते हैं। देखिए यहाँ सबसे अच्छी बात है, और सी में अगर बात करें, सी प्लस प्लस में अगर बात करें, जावा में अगर बात करें, सी शार्प में बात करें, वहाँ पे क्या होता है सिंगल कोट्स में सिर्फ आप एक ही लेटर देते हैं, उसको हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंगल कोट या लिखी या डबल कोट में लिखी सब स्ट्रिंग ही है, कितनी अच्छी बात है। ओके आगे हम लोग अभी देखेंगे सी, ये पीएचपी क्या है, लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है, स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज नहीं है, जावा स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है लेकिन पीएचपी क्या है, लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। उसका रीज़न क्या है वो हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे। ओके तो वेरिएबल हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी डिक्लेयर करें तो वो सही होना चाहिए, सही तभी होगा जब आप अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे और कभी भी फर्स्ट पोजिशन पर इंटीजर से स्टार्ट नहीं करेंगे, बीच में स्पेस नहीं देंगे। ओके ये आपको ध्यान रखना है। चलो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर पढ़ते हैं जो है हमारा डेटा टाइप। ओके इसके बारे में पढ़ते हैं, डेटा टाइप के बारे में पढ़ते हैं। डेटा टाइप क्या है, जैसे इंग्लिश के सारे वर्ड को अगर बात करें तो उनको 8 ग्रुप में ही डिवाइड किया गया है, ये तो आप मानते ही हैं। पीएचपी इंग्लिश के सारे वर्ड जो हैं उनको 8 ग्रुप में ही डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। उसी प्रकार पीएचपी में भी हम लोग जो वेरिएबल्स लेते हैं उनको भी कैटेगराइज किया गया है, उनको भी क्या कर दिया गया है, अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है उनके वर्क के अकॉर्डिंग। तो ये जो अलग अलग जो क्लासेस हैं, द क्लासेस, ओके डिफरेंट क्लासेस, ओके जो पीएचपी में जो यूज होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे डेटा टाइप। जैसे इंटीजर का क्लास अलग हो सकता है, फ्लोट का क्लास अलग हो सकता है,
डबल का क्लास अलग हो सकता है, स्ट्रिंग का क्लास अलग हो सकता है, बुलियन का क्लास अलग हो सकता है, एरे का क्लास अलग हो सकता है, ऑब्जेक्ट का क्लास अलग हो सकता है, ओके, रिसोर्स का क्लास अलग हो सकता है, नल का क्लास अलग हो सकता है। तो अलग अलग क्या है, ये डेटा टाइप्स है, ओके। तो यानी जब भी आप वेरिएबल लेंगे वो किसी ना किसी इन्हीं क्लासेस में आता है, ओके, ये ध्यान रखना है, ओके। ऑल दीज क्लासेस आर कॉल्ड डेटा टाइप्स, ओके। डेटा टाइप्स स्पेसिफाई द साइज, ओके, एंड टाइप ऑफ वैल्यूज डेट कैन बी स्टोर्ड। यहाँ पे क्या है कि आपको अदर लैंग्वेज जैसे C++ जावा की अगर बात करें तो वहाँ पे हम लोग लिखते हैं इंट ए इज इक्वल टू 10, तब इंट भले ही आप वैल्यू ना दें तो भी क्या होता है, वो मान लिया जाता है कि एक इंटीजर वैल्यू वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, जब तक आप वैल्यू नहीं देंगे तब तक वेरिएबल का क्लास डिसाइड नहीं होता। या वाह वाह क्या मजे बात है, यहाँ पे वैल्यू के आधार पे ही वेरिएबल का डेटा टाइप डिसाइड होता है। यानी आपने वेरिएबल की वैल्यू दिया, क्या हो गया, उसका टाइप यहाँ पे डिफाइंड हो गया। इसलिए जो है इसे कहा जाता है लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। लूजली टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे आपको इंटीजर फ्लोट डबल ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जानना चाहें कि ये जो मैंने वेरिएबल बताया है ये किस क्लास का है, तो आप गेट टाइप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ओके। एक और फंक्शन दिया गया है जिसमें आपका वैल्यू के साथ साथ क्लास भी बताया गया, वो है वैर डम्प, वेरिएबल डम्प, ओके, ठीक है। तो आइए इस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली भी समझते हैं डेटा टाइप को, ओके। सपोज कीजिए जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स ले रखा है, इसी में मैं एक अलग से फाइल नहीं लेकर वेरिएबल्स वाले फाइल में ही मैंने क्या किया, ये जो अलग अलग ले रहा हूँ वेरिएबल, ठीक है, इसमें सपोज कीजिए ए में मैंने यहाँ पर कर दिया, सिंगल कोट्स में लिख दिया LEARNERS लर्नर्स अड्डा, ओके। तो ये क्या हो गया स्ट्रिंग। सपोज कीजिए ए वन में मैंने दिया 2.3, ओके। उसके बाद मैंने कुछ और वेरिएबल लिया एक डॉलर के इज इक्वल टू TRUE ट्रू ले लिया, ओके। अब मैंने इसको सेव किया। अब मैं तो यहाँ पे क्या है, ये देख रहे हैं आप, ये अलग अलग ये हो गया आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप, ओके। इस वजह से मैं डबल फॉरवर्ड स्लैश दो बार लिखता हूँ तो इसको हम लोग बोलते हैं कमेंट लाइन। कमेंट लाइन का मतलब क्या होता है, जिसको आपका कंपाइलर रीड नहीं करेगा, यानी PHP में जो पार्सल लगा हुआ है वो इसको रीड नहीं करेगा, वो जस्ट एज अ मैसेज के रूप में आपकी इस फाइल में पड़ा हुआ रहेगा। ये हो गया स्ट्रिंग STRING स्ट्रिंग, ओके। इसकी अगर बात करें तो इसको आप बोल दीजिए फ्लोट, टी फ्लोट ज़्यादा बेटर रहेगा, डबल बोलिए DOUBLE डबल, ओके। ये हो गया आपका बुलियन, इसकी अगर बात करें बी डबलो LEAN, ये आपका बुलियन हो गया, ओके। ये तो मैंने मैसेज प्रिंट कराया है, और ये आपका हो गया इंटीजर, ओके, INTER इंटीजर। सपोज़ कि आप इसको टाइप जानना चाहते हैं कि वाकई में ये स्ट्रिंग है कि नहीं, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे ECHO इको और गेट टाइप GET गेट TYPE गेट टाइप, देखिए ब्लू कलर में आ रहा है, फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये फंक्शन क्या होता है यहाँ के डिस्कस करेंगे हम लोग। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, उस डॉलर ए को पास कर दिया, ओके, कंट्रोल S, और अब मैं जाकर इसी पेज को दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, तो गौर से देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हुआ आ रहा है, 2.3 के साथ साथ क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्ट्रिंग लिखा रहा है, मतलब ड्रॉ ये कैसा है, स्ट्रिंग है। उसी प्रकार सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर A1 कर दिया, ओके, और मैं यहाँ पे BR लगा लेता हूँ, डबल कोट्स, ये डॉट यहाँ पे क्या होता है, कॉन्कैटेनेशन ऑपरेटर यूज होता है, ओके, इसको बोलते हैं कॉन्कैटेनेशन ऑपरेटर। यहाँ पर BR मैंने लिख दिया, कंट्रोल S, अब क्या होगा, A1 क्या है हमारा, डबल है, ओके, क्योंकि फ्लोट का भी बड़ा भाई डबल होता है, तो ये डबल ही आ रहा है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, ओके। अब वापस मैं प्रोग्राम में आता हूँ, इसके बाद अगर K की अगर बात करें तो K क्या है हमारा, बुलियन है, तो मैंने यहाँ पर K कर दिया चेक करने के लिए, ओके, और वापस इस पर आया, इसको रिफ्रेश कर दीजिए, यहाँ देखिए बुलियन लिख रहा है, ओके। अब सपोज कीजिए मैं वेर टाइप फंक्शन को यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा वेर टैम्प ECHO
इको वी ए आर वेर डम्प, और यहाँ पर मैंने लिखा डॉलर ए बी सी, डॉलर ए बी सी, ओके कंट्रोल एस, और यहाँ भी डबल कोट्स के साथ बी आर क्या है एस्टिमेट टैग, लाइन ब्रेक के लिए यूज किया जाता है, ओके और यहाँ पर आकर मैंने इसे रिफ्रेश किया। तो देखिए वेर डम्प और गेट टाइप की अगर कंपेयर करें तो वेर डम्प में क्या हो रहा है, आपका क्लास के साथ साथ आपका क्या बता रहा है, वैल्यू भी बता रहा है, क्लास के साथ साथ क्या बता रहा है, ये वैल्यू भी बता रहा है। लेकिन अगर ये स्ट्रिंग होता तब क्या बताता, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं डॉलर ए पास कर देता हूँ, ओके कंट्रोल एस, अब अगर बात करते हैं इसको वापस आकर हमने रिफ्रेश किया तो अब क्या बता रहा है, देखिए ये स्ट्रिंग 13 बता रहा है। 13 क्या है, ये आपका लेंथ है, यानी स्ट्रिंग के केस में क्या बताता है, ये आपका लेंथ बताता है और साथ ही साथ ये आपकी वैल्यू भी बताता है और क्लास भी बताता है, ये तीनों ही चीज़ बताता है, वैल्यू भी बताता है, लेंथ भी बताता है और साथ ही साथ आपका क्लास भी बताता है, वेर डम्प फंक्शन जो है, ओके। इसके अलावा और भी फंक्शन होते हैं, एक एक करके हम लोग डिटेल में अभी देखते हैं उसका। तो आइए सबसे पहले हम लोग वापस फाइल की ओर लौटें, ओके। तो वैल्यू जैसे हमने चेक कर लिया वेर डम्प से, साइज़ भी जैसे कि हमने देखा 13, साइज़ भी हमने बताया, टाइप भी बताया स्ट्रिंग, ओके इन सभी का इन्फॉर्मेशन हमें वेर डम्प फंक्शन से मिलता है, ओके आइए नीचे आते हैं। उसके बाद फिर जैसे कि यहाँ पे प्रोग्राम में देख ही रहे हैं, मैंने एक ए लिया है तो ये इंटीजर हो गया, ये आपका फ्लोट बोलिए या फिर इसको आप डबल बोलिए, जैसा कि इसे देखें आप डबल डी ओ यू बी एल ई डबल ई बोलिए, फ्लोटिंग पॉइंट ही बोलते हैं उसको, ओके इंटीजर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू, फ्लोट वैल्यू बोलिए या डबल बोलिए। डेटा टाइप्स की अगर बात करें तो स्पेशली तीन टाइप का में हम लोग डिफाइन करते हैं इसको, प्री डिफाइंड, कंपाउंड जिसे यूजर डिफाइंड कहते हैं, और स्पेशल टाइप। प्री डिफाइंड में कौन कौन सा हो गया आपका, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, ओके साथ ही साथ आपका स्ट्रिंग हो गया, बुलियन हो गया, ये सारे वेरिएबल जो होते हैं वो सिंगल वैल्यू को होल्ड करते हैं। जैसे मैंने लिखा डॉलर ए इज इक्वल टू 13, डॉलर नेम इज इक्वल टू विनाश कुमार पांडे और लर्नर्स अड्डा, ओके बुलियन में क्या होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ओके उसी के लिए यूज़ करते हैं। तो एक ही वैल्यू को होल्ड करने के लिए स्पेशली यूज़ करते हैं। इंटीजर डेटा टाइप की अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू होती है, ओके ये आपको ध्यान रखना है। इंटीजर डेटा टाइप की अगर हम लोग बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, न्यूमेरिक वैल्यू होती है, ओके इसमें किसी भी टाइप का पॉइंट वगैरह नहीं होता है, फ्रैक्शनल पार्ट इसमें नहीं होता है। लेकिन अगर डबल की बात करें, अगर फ्लोट की बात करें, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट होते हैं, जैसे 2.5, 99.6, तो 0.6 तो है, तो ये क्या है आपको फ्रैक्शनल पार्ट में, इसके हम लोग काउंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया, इंट और 100, जैसा कि आप देख रहे हैं आउटपुट में भी। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें फ्लोट के लिए या डबल के लिए, ठीक है, तो साथ ही साथ ये यहाँ पे हम लोग डबल कर देते हैं, ज़्यादा बेटर है, टी ओ यू बी एल ई डबल, कंट्रोल एस। नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैंने बताया अदर लैंग्वेज में क्या होता है, सिंगल डबल कोट्स का तो फ़र्क होता है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ सीन ही नहीं है। यहाँ पे क्या आप सिंगल कोट में लिखिए, डबल कोट में लिखिए, दोनों ही स्ट्रिंग माना जाएगा, ओके। नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप इसको हम लोग कहते हैं, स्ट्रिंग कैन होल्ड लेटर्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर, सारे जो डबल कोट्स में आ गया, सिंगल कोट में सारे, वो सभी को हम लोग स्ट्रिंग ही बोलते हैं यहाँ पे। मतलब यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज़ कि ये सिंगल कोट में लिखा हूँ तो भी सही है, और सिंगल कोट में सिर्फ मैंने लेटर नहीं, अगर मैं नंबर भी लिख दूँ यहाँ पर, सपोज़ ये डॉलर डबल के इज इक्वल टू, और मैंने सिंगल कोट्स में मैंने 3333 लिखा है, तो ये अब 33 जो 6 टाइम्स लिखा है, ये आपका अब स्ट्रिंग है, ये ध्यान रखिएगा, एस टी आर आई एन जी, क्या ये स्ट्रिंग है, क्योंकि आपने सिंगल कोट्स में लिख दिया, ओके भले ही आप डबल कोट्स में लिखिए, सिंगल कोट्स में लिखिए, तो भी क्या माना जाएगा, ये आपका स्ट्रिंग माना जाता है, ओके तो ये आपको ध्यान रखना, डबल कोट्स में लिखिए, सिंगल कोट में। जैसे यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, वेलकम व्यूअर्स, ऑलवेज रेडी टू लर्न, ओके एस टी आर वन में लिखा है मैंने हाउ आर यू, और वेर डम्प से प्रिंट करा रहा हूँ एस टी आर को भी, एस टी आर वन को भी, ठीक है। तो स्ट्रिंग अगर बात करें इसमें, तो इसकी लेंथ तो काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे लेंथ काउंट करके समझिए, यहाँ पे लेंथ आएगी, ओके ई एन
जी टी एच मतलब लेंथ का मतलब जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग स्पेस, वो भी काउंट करके यहाँ पर ये लिखा हुआ एक नंबर आ जाएगा, और यहाँ पर 10 जो भी यहाँ पर ये सारे कैरेक्टर काउंट हो जाएंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं नन न्यूमेरिक डेटा टाइप। दूसरा जो डेटा टाइप है वो है आपका बुलियन। ओके, बुलियन में मैंने बता दिया दो ही वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स। ओके, ये सारे कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं, कंडीशन अगर सही है तो ट्रू, अगर फॉल्स है तो फिर फॉल्स ही है। फॉल्स जो है वो 0 को रिप्रेजेंट करता है, 1 जो है वो ट्रू को रिप्रेजेंट करता है। जब आप यहाँ पे क्या होता है, जब कंडीशन में जब आप कोई चीज़ प्रिंट कराएंगे तो ट्रू तो दिखेगा 1, लेकिन फॉल्स नहीं दिखता है। ओके ठीक है, दूसरा जो डेटा टाइप है वो है आपका क्या है, कंपाउंड और मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। एक ही वेरिएबल में लोग मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करते हैं, जैसे एरे। एरे के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ओके, ये एरे क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इसकी पर्पस क्या है, इसको कैसे यूज किया जाता है, कैसे उसमें हम लोग सॉर्टिंग करेंगे, कैसे हम लोग लार्जर निकालेंगे, सेकेंड लार्जेस्ट कैसे निकाला जाता है, ये सारा हम लोग डिटेल में हम लोग देखेंगे। एसोसिएटिव एरे क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये क्रिएट करने का, एरे क्या होता है, एक फंक्शन ही होता है। ओके, एरे क्या होता है, एक फंक्शन होता है, एरे क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। आप एरे न्यूमेरिक का भी क्रिएट कर सकते हैं, स्ट्रिंग का भी क्रिएट कर सकते हैं, डबल का भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसा आप वैल्यूज देंगे वैसा आपका यह एरे बन जाएगा। ओके ठीक है, फिर अगर बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट हम लोग देखेंगे उप कॉन्सेप्ट, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन के बारे में हम लोग। पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे देखिए ओवरलोडिंग नहीं होता है, मैं बता दूँ PSU में क्या होता है, ओवरलोडिंग नहीं होता है, ओवरराइडिंग तो होता है लेकिन ओवरलोडिंग नहीं होता है। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग उप कॉन्सेप्ट जो हम लोग PSU का डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक स्टूडेंट क्लास क्रिएट किया हुआ है और शो नाम का फंक्शन है, और इसे यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे कॉल किया है। ठीक है, तो ये क्या देगा आउटपुट, दिस इज शो मेथड, बस ये लिखा हुआ आ जाएगा। ओके, तो ये जो लाइन दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका है। ओके, अदर लैंग्वेज में अलग तरीके से होता है लेकिन यहाँ पर इस प्रकार होता है। फिर ये जो यहाँ जो एरो ऑपरेटर दिख रहे हैं इसे कहा जाता है एक्सेस ऑपरेटर। ओके, डॉट की जगह यहाँ पर हम लोग एरो से एक्सेस करते हैं। ओके, अगला जो है एक्सेसिबल डेटा टाइप में नल और रिसोर्स। नल का मतलब क्या हो गया, जहाँ पर वैल्यू ब्लैंक है, कुछ है ही नहीं, तो उसको हम लोग बोलते हैं नल। जैसे मैंने कोई वैल्यू लिया और NU डबल नल लिख दिया उसका, तो नल हो गया डेटा टाइप। अगर बात करें यहाँ पर देखिए, मैंने एम्प्टी लिया और नल लिख दिया, तो वेर एम्प्टी अगर चेक करेंगे तो क्या बताएगा, वो नल वैल्यू है। ठीक है, द स्पेशल डेटा टाइप नल रिप्रेजेंट्स अ वेरिएबल विद नो वैल्यू, उसमें वैल्यू होती ही नहीं है। ओके, उसके बाद जो अगला जो डेटा टाइप है वो है रिसोर्स डेटा टाइप। ठीक है, रिसोर्स डेटा टाइप क्या है, ये स्पेशली किसी न किसी का रेफरेंस होल्ड करता है। जैसे मान लीजिए डेटाबेस से मैंने अगर कनेक्शन किया, तो MySQL_connect उसके अंदर सर्वर का नाम लिखा, उसके बाद फिर यूजर का नाम लिखा, पासवर्ड लिखा, साथ ही साथ किस डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं डेटाबेस का भी हमने नाम लिख दिया। ओके, तो कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिसोर्स, कि ये किसी ने किसी का रिसोर्स होल्ड करके रखा है। ओके, और बाकी जितने भी डेटा टाइप है इन सभी को अगर वेरीफाई करना हो तो भी इसके लिए बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन दिए गए हैं। ओके, आइए उन फंक्शन को डिटेल में हम लोग एक एक करके समझते हैं। जैसे है इज न्यूमेरिक है, यह आपका फ्लोट और आपका इंटीजर डबल तीनों पे काम करता है। स्ट्रिंग, अगर मान लीजिए कोई वेरिएबल स्ट्रिंग है तो वो बताएगा ट्रू है, और नहीं है तो फिर फॉल्स बताएगा। इफ एल्स हम लोग चेक कर सकते हैं। इस वगैरह इज एरे है, इज ऑब्जेक्ट है, इज नल है। ओके, ये सब कुछ आपको ट्रू और फॉल्स रूप में ये सारी चीज़ें आपको देता है। सपोज कीजिए इज स्ट्रिंग मुझे चेक करना है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले पे आ जाइए, मुझे इज स्ट्रिंग चेक करना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखा यहाँ पर ECHO इको इज स्ट्रिंग। ओके, इज अंडरस्कोर STRING इज स्ट्रिंग, और इसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग पास कर दिया, सपोज कीजिए $KKK। ओके, तो KKK कैसा है, स्ट्रिंग है।
तो क्या बताएगा, ये ट्रू बताएगा। अगर इसको रन करा के देखें, यहाँ पर आ गए, इसको क्लिक करते हैं, क्या बता रहा है, देखिए वन, मैंने बताया वन आपको दिखता है, वन मतलब ट्रू होता है। अगर ये फॉल्स रहेगा तो दिखेगा नहीं। सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पर मैंने पास कर दिया ए वन, ओके, मैंने क्या पास कर दिया यहाँ पर डॉलर ए वन, तो वो क्या है, डबल है। तो आप स्ट्रिंग में पास करें तो क्या बताएगा, फॉल्स, यानी आपका जो वन जो दिख रहा है ये भी गायब हो जाएगा। तो मैंने बताया फॉल्स दिखता नहीं है, ट्रू के रूप में सिर्फ आपको वन स्क्रीन पर दिखता है। तो इस प्रकार ये आप किसी भी फंक्शन को आप टेस्ट कर सकते हैं, ओके, जैसे मैंने अभी आपको एक करके दिखाया, उसके बाद फ्लोट चेक कर सकते हैं, डबल चेक कर सकते हैं साथ ही साथ, ओके, बूलियन यूज़ कर सकते हैं, एरे यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, नल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मेथड भी आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल होता है, जैसा कि हम लोग सारे डेटा टाइप हम लोगों ने देखा। डेटा टाइप क्या होता है, सारे वेरिएबल, चाहिए छोटा सा हम लोग समराइज़ कर लेते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि वेरिएबल्स क्या होता है, उसके रूल्स क्या होते हैं, कैसे डिक्लेयर करना चाहिए, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, अल्फाबेट्स यूज़ कर सकते हैं, और कभी भी स्पेस नहीं देना चाहिए, और एक से ज़्यादा लेटर्स का अगर वेरिएबल है, और अगर आप न्यूमेरिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो अंडरस्कोर दे दीजिए, न्यूमेरिक से ऐसे तो स्टार्ट करना ही नहीं चाहिए, ओके। स्पेशल कैरेक्टर के रूप में एट द रेट ये सब नहीं यूज करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर करते हैं तो गलत है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा डेटा टाइप क्या होता है, एक तरह से मैंने बताया ये क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है सारे वेरिएबल्स को। प्री डिफाइंड डेटा टाइप हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डेटा टाइप, इसमें हो गया इंटीजर, आपका फ्लोट, डबल, स्ट्रिंग, बुलियन, ओके, ये सारे आपके प्राइमरी हो गए। सेकेंडरी में आपका एरे आ गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ओके, फिर स्पेशल में आपका रिसोर्स हो गया, नल हो गया, ये सारे अलग अलग डेटा टाइप होते हैं, जो कि हमारे प्रोग्रामिंग में जो भी प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें किसी न किसी वेरिएबल का हेल्प लेना ही पड़ता है, और तभी हमारा प्रोग्राम बनता है। अगर आप मैसेज प्रिंट कर रहे हैं तो भी क्या है, एक स्ट्रिंग है, यानी इसके बिना आप प्रोग्राम बना ही नहीं सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ओके। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों आप लोग को वीडियो को इस प्रकार प्यार दे रहे हैं, इसे और बड़ा करें, अब दोनों दोस्तों में शेयर करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और उनको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा PHP अच्छी तरीके से बता सके, सिखा सकूँ, ओके। दोस्तों थैंक यू, आगे बढ़ते रहिए, जोशीले रहिए, उत्साहित रहिए, खुशी रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।